आपका मिस्टेक बताया जा रहा था, यानी कि भूल बताया जा रहा था। भूल कहाँ तक बचाव है इसको आप हमें डिटेल में देखना है। और मिस्टेक या भूल को कहाँ कहाँ कैसे प्रयोग किया गया है इस बात का उल्लेख आपका आईपीसी पढ़ाते समय पिछले लेक्चर में किया गया था, यानी कि जो कोटेशन था या मिस्टेक के बारे में और कहाँ कहाँ प्रावधान था ये आपका पिछले लेक्चर में हमने कॉन्ट्रैक्ट में, इसके बाद आपका सीआरपीसी में, इसके बाद आपका लिमिटेशन एक्ट में, इसके बाद आपका टार्ट में और कॉन्ट्रैक्ट में एविडेंस में मिस्टेक के बारे में क्या प्रावधान था ये हमने बताया। अब आइए मिस्टेक के बारे में आईपीसी में क्या प्रावधान है। तो मिस्टेक या भूल के बारे में जो आईपीसी में प्रावधान है वह दो सेक्शनों में समाहित, यानी कि आपका मिस्टेक या भूल के बारे में जो आईपीसी में प्रावधान किया गया है वह दो धाराओं में है, आपका 176 में है और दूसरा 79 में। 76 और 79 में तीन बातें समान हैं। पहली बात ये समान है कि जो मिस्टेक का फैक्ट होता है यानी कि तथ्य की जो भूल होती है ये क्षम्य है, यानी कि ये बचाव है। दूसरी बात जो समान है कि जो मिस्टेक का अपराध होता है यानी कि जो विधि की भूल होती है ये कभी भी क्षम्य नहीं है, एक्सक्यूज नहीं है, यानी कि दिल की भूल कभी भी क्षमा प्रदान नहीं करती, चाहे तथ्य की भूल हो चाहे विध की भूल हो। ये जो भूल हो रही है ये गुणखेत में होनी चाहिए, यानी कि बोनाफाइड में, यानी कि सद्भावना पूर्वक होनी चाहिए, सद्भावना पूर्वक होनी चाहिए। ये तीन बातें आपका सेक्शन 79 और 76 में समान है। इसके बाद आपका 76 में विधिक बाध्यता है, विधिक बाध्यता यानी कि कानूनी रूप से कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए मामूल होता है और 79 में विधिक न्यायानुमत्ता है, विधिक न्यायानुमत्ता, विधिक न्यायानुमत्ता है यानी कि लीगल जस्टिफिकेशन है या विधिक न्यायानुमत्ता। देखिए पहले यानी कि आपका पहले कुछ सामान्य बातें बता दिया जाए जो प्री के लिए भी महत्वपूर्ण है, तब आपका एक और बात बता दिया जाए कि ये जो सेक्शन दोनों है ये पिछली बार 20 नंबर का क्वेश्चन यूपी पीसीएजे में आया था मेंस में, तो भाई मेंस के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन आपका। लेकिन पहले सामान्य बातें बताई जाए, सामान्य बातों में ये है कि विधिक बाध्यता 76 में है, विधिक न्यायानुमत्ता 79 में, आपका इसमें पहले अंतर समझिए। विधिक बाध्यता का मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति कानूनतः या विधितः किसी कार्य को करने के लिए
बाउंड होता है, बार्ड होता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होता है तो हम कहते हैं कि वह विधिक बाध्यता के अधीन है। और अगर ऐसा व्यक्ति कानूनी रूप से किसी कार्य को करने के लिए बाध्य होते हुए वह कार्य करता है तो सेक्शन 76 ये बताता है कि उसने कोई ऑफेंस नहीं किया, यानी कि ऐसे व्यक्ति ने कोई कार्य नहीं, कोई अपराध नहीं किया। जहाँ तक 70 अभी हम डिटेल में भी इसको बताएंगे, उदाहरण विचारना। जहाँ तक आईपीसी की धारा आपका 79 का प्रश्न है, आपको आईपीसी की धारा 79 भी अच्छे से देखना है। आईपीसी की धारा जहाँ तक 79 का प्रश्न है, आईपीसी की धारा 79 विधिक न्यायानुमतता की बात करती है। अब विधिक न्यायानुमतता क्या होती है? विधिक न्यायानुमतता का मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति कानून द्वारा किसी कार्य को करने के लिए बाउंड या बाध्य नहीं होगा, लेकिन अगर वह व्यक्ति उस कार्य को कर देता है तो कानून ये मानता है कि उसने कोई गलत कार्य नहीं किया और न ही कोई अपराध किया। जैसे कि उदाहरण के रूप में किसी अपराधी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारी बाध्य है, ये 76 में जाएगा। लेकिन अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर लेता है तो क्या यह प्राइवेट व्यक्ति कानूनन ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए बाध्य नहीं था, लेकिन अगर वह कार्य कर ही लिया है तो उसने कोई अपराध नहीं किया और कानून ये मानता है कि इस प्राइवेट व्यक्ति का यह कार्य न्यायोचित माना जाएगा, उचित माना जाएगा और उस व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया। अब अगला प्रश्न ये आता है कि विधि की भूल निश्चय का भला क्षम्य है कि नहीं। तो विधि की भूल क्षमा नहीं करती, ये किन धाराओं में वर्णित है? तो दो धाराएं मारिएगा, 76 और 79। यानी कि विधि की भूल क्षमा प्रदान नहीं करती, ये आपका दो धाराओं में सिद्धांत समाहित है, 76 में और 79। निश्चय का फैक्ट यानी कि तथ्य की भूल क्षमा प्रदान करती है, ये दो धाराओं में ये सिद्धांत समाहित है, 76 में और 79 में। अगर आपका 76 और 79 दोनों धाराएं न देकर केवल एक धारा दे तो वह भी सही मानिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन यूपी एपीओ में आ चुका है कि तथ्य की भूल क्षम्य है, ये किस धारा में है? तो 79 तो दिया था ऑप्शन में, लेकिन 76 नहीं दिया था, तो 79 सही माना जाएगा। यानी कि दोनों धाराएं ऑप्शन में रहे तो दोनों मारिए, और एक धारा रहे ऑप्शन में तो एक, और दोनों न रहे तो इनमें से कोई नहीं। अगला नियम देखिए, अगर तथ्य और विधि की मिश्रित भूल है, ये भी एक बार क्वेश्चन आया है कि फैक्ट एंड लॉ का मिक्स्ड मिस्टेक है,
यानी कि तथ्य और विध के निश्चित मूल है तो उसे क्या माना जाए। तो ऐसी दशा में आपका ऐसी भूल को तथ्य की भूल माना जाता है। ये भी क्वेश्चन यूपी में आ चुका है कि तथ्य एवं विध की मिश्रित भूल को क्या माना जाएगा। तो ऐसी भूल को तथ्य की भूल माना जाएगा और अभियुक्त को बचाव मिलेगा। अब ये क्वेश्चन आया कि मिस्टेक क्या है। मिस्टेक शब्द को आईपीसी में परिभाषित नहीं किया गया। तो भूल है क्या, मिस्टेक है क्या, इस बिंदु को पहले देखा। जहाँ तक भूल की बात है, भूल शब्द को आईपीसी में परिभाषित नहीं किया गया। तो भूल है क्या, भूल का मतलब ये हुआ कि जिस तथ्य के अस्तित्व में होने का किसी व्यक्ति ने विश्वास किया, यानी कि जिस फैक्ट के अस्तित्व में होने का किसी व्यक्ति ने विश्वास किया हो, अगर वह तथ्य यानी कि अगर वह तथ्य या यदि वह जो तथ्य है वह तथ्य वास्तव में मौजूद होता तो क्या ऐसे व्यक्ति का कार्य उचित माना जाता। अगर उचित माना जाता तो कानून इसे तथ्य की भूल मानता है और ऐसी दशा में अभियुक्त को बचाव देता। आइए एक उदाहरण देखा जाए। रात का माहौल है और आपका एक व्यक्ति अपने घर में सो रहा है, तब तक उसके दरवाजे पर आहट आती है और वह समझता है कि भालू आ गया है। जंगली उसके दरवाजे पर वह कुल्हाड़ी लेकर जाता है, दरवाजा खोलकर अंधेरा है और भालू पर प्रहार करता है। वास्तव में वह उसका पुत्र होता है और भूल से भालू समझकर अपने पुत्र की ही हत्या कर देता है। ऐसी दशा में अब ये देखा जाएगा कि जिस तथ्य पर उसने विश्वास किया यानी कि भालू होने का विश्वास किया, अगर वह तथ्य वास्तव में मौजूद होता तो क्या ऐसे व्यक्ति को कानून क्षमा प्रदान करता या क्या उसका कार्य उचित होता। अगर उचित होता तो ऐसी दशा में वह व्यक्ति कोई अपराध का दोषी नहीं होगा और वह व्यक्ति आपका बचाव का हकदार हो। भूल आपका दो चार और उदाहरण देखा जाए। मान लीजिए एक डॉक्टर है या नर्स है एक मरीज को भूल से या मिस्टेक से आपका कह सकते हैं दवा की जगह जहर का इंजेक्शन दे देती है और उससे मिस्टेक हो जाता है सद्भावनापूर्वक, तो डॉक्टर या नर्स ने कोई अपराध नहीं किया। तीसरा आपका दिखा सकते हैं जंगल का इलाका, दिखा सकते हैं कि जंगल का इलाका है, झाड़ी के पीछे खड़खड़ाहट होती है और ये समझता है कि झाड़ी के पीछे चूहा है और चूहे चूहा समझकर झाड़ी के पीछे गोली चलाता है और गोली एक व्यक्ति को लग जाती है। तो यहाँ आपका भूल ही मानी जाएगी और इन्हें कोई अपराध नहीं। इसी में छाता का भी उदाहरण आता है। ए और बी एक दूसरे के पास अपना छाता रखते हैं एक ही जगह। ए आता है बी भूल के कारण बी का छाता अपना समझकर लेकर चला जाता है, तो बी ने माने ए ने चोरी नहीं की क्योंकि ए एक वर्ष दूसरे का छाता उठा ले गया है। इसका मतलब इन उदाहरणों से मतलब ये कि अगर तथ्य की भूल हुई, भूल सद्भावना पूर्वक हुई तो व्यक्ति
बचाव का हकदार होता है और ये दो सेक्शनों में समाहित है। आईपीसी के सेक्शन आपका 76 और 79। इसके बाद आपका बेयर एक्ट हम देखेंगे, बेयर एक्ट क्या कहता है, और तब आपका कह सकते हैं कुछ केस पढ़ना पड़ेगा। लेकिन पहले धारा 76 का और 79 का, दोनों का हम बेयर एक्ट देखते हैं और इसमें एलिगेशन जो है दृष्टांत में वह भी लगातार पूछा जाता है, किसी भी हाल में दृष्टांत गलत न हो। देखिए आपका बेयर एक्ट दोनों का तोड़ने पर पांच ही आवश्यक तत्व निकलेंगे जो हमने बोर्ड पर लिख रखे हैं। इनको पांचों को अलग से हम बताएंगे कह करके, लेकिन एक बार यह आवश्यक है कि दोनों धाराओं का बेयर एक्ट समझा दिया जाए और तब पांच तत्व निकाला जाए। देखिए 76 क्या कहते हैं, विधि द्वारा आपत या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आपत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। देखिए बैरल की भाषा, कोई बात अपराध नहीं है। कोई बात का मतलब हुआ कोई एक्ट या ओमिशन। एक्ट या ओमिशन का मतलब कि कोई कार्य या लोग, माने कोई भी कार्य या लोग अपराध नहीं माना जाएगा, यानी कि अपराध होते हुए भी कानून उसे अपराध नहीं माने। जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आपत्त, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है और वह कार्य वह करता है तो उस कार्य को करने वह कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। तो 76 में पहला पॉइंट आपका निकला विधिक बाध्यता के अधीन किया गया कार्य। अगला देखिए आपका, तुरंत इस पर दो तीन उदाहरण आधा बेयर एक्ट पढ़ने के बाद तुरंत आपका तीन चार उदाहरण यहाँ देखना। अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए कानूनन बाध्य है और वह कार्य करता है तो ऐसी दशा में उसने कोई ऑफेंस नहीं किया। तीन चार उदाहरण देखिए, पहला दृष्टांत कई बार बना है 76 का प्रीमियमेंस में गलत न हो। पहला एलिगेशन देखिए, विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ अफसर के आदेश से एक सैनिक दिल पर गोली चलाता है कोने कोई अपराध नहीं, क्योंकि ने कोई अपराध नहीं किया दिल पर गोली चलाकर, क्योंकि वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों का आदेश का पालन करने के लिए कानून द्वारा बाध्य था और विधिक बाध्यता के अधीन उसने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से हीर पर गोली चलाई है, अतः इस सैनिक ने कोई अपराध नहीं किया और सेक्शन 76 इस सैनिक को पूर्ण रूप से बचाव दे। अब यहाँ दो समस्या आती है। पहली समस्या ये आती है कि यदि वरिष्ठ अधिकारी का आदेश वैध था तब तो अधीनस्थ प्राधिकारी पूर्ण रूप से बचाव का हकदार हो, लेकिन अगर वरिष्ठ अधिकारी का आदेश अवैध था और उस आदेश का पालन अधीनस्थ अधिकारियों ने किया है तो ऐसी दशा में अधीनस्थ अधिकारी
बचाव का हकदार नहीं होगा। अधीनस्थ अधिकारी ये नहीं कह सकता कि हमारे सुपीरियर या वरिष्ठ ने आदेश दिया था, इसलिए मैं ये अवैध कार्य किया। यानी कि वैध आदेश बचाव देंगे, लेकिन अवैध आदेश बचाव नहीं। दूसरा देखिए इसमें आपका अगला शब्द देखिए, अभी आधा ही पेरेंट हुआ है। कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। इसको हमने एक एलिस्ट्रेशन से समझा है। दूसरा देखिए, या जो तथ्य की भूल के कारण न कि विधि की भूल के कारण, या जो तथ्य की भूल के कारण न कि विधि की भूल के कारण आपका सद्भाव पूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध। यानी कि कोई व्यक्ति अगर तथ्य की भूल के कारण, विधि की भूल के कारण ये विश्वास या बिलीव करता हो कि वह व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है, वह कार्य कर देता है, लेकिन भूल हो जाती है। और भूल कैसी होती है? तथ्य की, न कि विधि की। तो ऐसी दशा में वह व्यक्ति बचाव का हकदार होगा। और जो नीचे का फैक्ट है, तथ्य की भूल है, उसके लिए एक इलस्ट्रेशन जो दिया गया है 76 IPC में, वह दूसरा दृष्टांत इस बिंदु पर सुसंगत है, रेलेवेंट है। दूसरा दृष्टांत देखिए, न्यायालय का ऑफिसर को मां को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय द्वारा आदिष्ट किए जाने पर और सम्यक जांच के पश्चात यह विश्वास करते कि यह मां है, यह को गिरफ्तार कर लेता। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि न्यायालय ने कौ के नाम गिरफ्तारी के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी किया और वारंट में ये निर्देशित किया कि हे तुम बी को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करो। ए बी को गिरफ्तार करने गया और बी की जगह पर सी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जब सी को गिरफ्तार किया तो गुप्त में किया था, सद्भावना पूर्वक किया था, अर्थात जितनी जान पड़ताल इस बात के लिए करनी चाहिए कि सी ही बी है, ए ने किया, फिर भी उससे मिस्टेक हो गया, उससे गलती हो गई और बी की जगह वह सी को सम्यक जांच के पश्चात भी अरेस्ट कर लिया, तो ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया क्योंकि ए ने तथ्य की भूल की है और यह तथ्य की भूल गुरुदेव ने किया है, सद्भावना पूर्वक किया। तो दोनों दृष्टांत अच्छे से तैयार रखना है। कई बार डायरेक्ट एलिस्ट्रेशन से ही क्वेश्चन बन गए हैं। पहला आपका सैनिक वाला भीड़ वाला उदाहरण और दूसरा दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तारी वाला उदाहरण। इसी के साथ आपका तुरंत 79 देखा जाए और जहां तक 79 की बात है, आइए 79 को देखा जाए। 79 देखिए आपका, विधि द्वारा न्यायानुमत यानी जस्टिफाई या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य।
बेरेट की भाषा सेम है 76 की तरह, एक दो शब्द ही चेंज होंगे। देखिए कोई बात अपराध नहीं है, कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्याय मत हो। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए विधि द्वारा जस्टिफाई हो, न्याय मत हो और वह कार्य कर लेता है तो उसने कोई ऑफेंस या अपराध नहीं किया। या तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण सद्भावना पूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा न्याय मत। अगर उससे मिस्टेक भी हो जाता है और मिस्टेक आपका फैक्ट का होता है ला का नहीं, और ये जो मिस्टेक है ये गुण खेत में होता है यानी कि सम्यक जांच करने के बाद भी मिस्टेक हो जाता है, तो ऐसी दशा में ऐसे व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया। इसको हम डिटेल में जब बताएंगे तो इसका उदाहरण सीआरपीसी की धारा 43 से उठाएंगे, लेकिन दृष्टांत पहले हो जाए तब पांचों बातें बताई जाए। पहला दृष्टांत एक, इसमें दृष्टांत एक नहीं है और ये बार बार मेंस और प्री में पूछा जा रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण दृष्टांत है। देखिए वह यह को ऐसा कार्य करते देखता है जो क को हत्या प्रतीत होता है, वह सद्भावनापूर्वक काम में लाए गए अपने श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार उस शक्ति का प्रयोग में लाते हुए जो विधि ने हत्याकारियों को उस कार्य में पकड़ने के लिए समस्त व्यक्तियों को दे रखी है, यह को उचित प्राधिकारियों के समक्ष ले जाने के लिए यह को अभिगृहित करता है। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, चाहे तत्पश्चात असल बात यह निकले कि यह आत्म प्रतिरक्षा में कार्य कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए को लगता है कि बी सी की हत्या करने वाला और ए बी को अरेस्ट कर लेता है और बी को अरेस्ट या पकड़ लेता है, गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन बाद में पता ये चलता है कि बी सी की हत्या करना नहीं चाहता था बल्कि बी को अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर रहा था और ए से गलती हो, तो ए से जो गलती हुई है वह तथ्य की भूल है और ए ने यह तथ्य की भूल गुड फेथ में की है, सद्भावना पूर्वक की है। अतः ऐसी दशा में आप क्या बता दिया जाए कि ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया। इसको आपका जोड़ा जाएगा सीआरपीसी में भी, लेकिन दृष्टांत जरूर याद रखिए, ये दृष्टांत मेंस में और प्री में कई बार बन चुका है। यानी कि अगर हम भूल से संबंधित प्रावधानों के ऊपर गौर करें 76 पर और 79 पर, तो भूल से संबंधित प्रावधानों में पांच बातें दर्शित होंगी। पहली बात है विधिक बाध्यता, दूसरी बात है तथ्य की भूल, तीसरी बात है विधि की भूल, चौथी बात है सद्भावना और पांचवी बात है आपका विधि न्यायमत्ता। अब इन्हीं चीज़ों को एक करके आपका देखना। देखिए पहला पॉइंट विधिक बाध्यता, अगर कोई व्यक्ति विधि द्वारा किसी कार्य को करने के बाध्य था और उस व्यक्ति ने उस कार्य को कर दिया, तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति ने
कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि कानून द्वारा बाध्य होने के कारण अगर आप कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को ऑफेंस नहीं माना जाता। टीचर पहला उदाहरण तो आपका सीआरपीसी की धारा 76 में ही मिलता है, यानी कि पहला उदाहरण आपका क्रिमिनल के पहला उदाहरण आईपीसी की धारा 76 का पहला इलेक्ट्रेशन ही है, जहाँ की सैनिक का उदाहरण दिया गया है, अभी बताया भी गया। दूसरा उदाहरण देखिए, अगर न्यायालय ने आदेश दिया और जल्लादविद द्वारा बाध्य है कि उस आदेश का पालन करें और जल्लाद ने किसी कैदी को फांसी पर लटका दिया तो जल्लाद ने कोई अपराध नहीं किया। इस बात को स्पेशल तौर पे 78 सेक्शन में आपका बताया गया। अगला उदाहरण आप देख सकते हैं, अगर पुलिस किसी व्यक्ति को वारंट के बिना कानूनी तौर पर गिरफ्तार करने के लिए बाध्य है, पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया तो पुलिस ने कोई अपराध नहीं किया। विधिक बाध्यता, दूसरी बात यह आई कि विधिक न्यायानुमत्ता 79। विधिक न्यायानुमत्ता का मतलब ये हुआ कि कानून कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए बाध्य नहीं होता, लेकिन कानून इस बात की इजाज़त देता है कि अगर कोई व्यक्ति चाहे तो इस कार्य को कर सकता है, और अगर वह व्यक्ति उस कार्य को कर देता है तो उसने कोई ऑफेंस नहीं। जैसे कि किसी अपराधी को पकड़ने के लिए कानूनन बात पुलिस होती है, लेकिन अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी अभियुक्त को गिरफ्तार ही कर लेता है तो ऐसी दशा में उसने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि वह व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए विधिक रूप से न्यायानुमत है। ये याद रखिएगा, वह व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन न्यायानुमत है कि कानून यह कहता है कि अगर आपने यह कार्य कर दिया तो आपने कोई गलत कार्य नहीं किया, आपका कार्य सही माना जाए। ये विधिक न्यायानुमत्ता होती है। अब आइए अगला देखा जाए, तथ्य की भूमि। 76 और 79 दोनों धाराओं में एक आप हेड को बचाव के रूप में मान्यता दी है। एक आप हेड का मतलब ये हुआ कि जिस तथ्य पर व्यक्ति ने विश्वास किया, अगर वह तथ्य वास्तव में मौजूद होता तो क्या ऐसा व्यक्ति आपका क्या ऐसे व्यक्ति का कार्य सही माना जाता। यानी कि कोई व्यक्ति 76 में है कि कोई व्यक्ति जो कानूनन किसी कार्य को करने के लिए बाध्य है उससे तथ्य की भूल हो जाती है और वह ये समझता है कि वह इस कार्य को करने के लिए कानूनी तौर पे बाध्य है, यह विश्वास करता है, लेकिन उससे मिकेट हो जाता है तो ये मिकेट के कारण वह बचाव का हकदार है। दूसरी बात 79 में भी है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए विधिता न्यायानुमत है और तथ्य की भूल हो जाती है, लेकिन तथ्य की भूल गुणभेद में होती है, सद्भावना पूर्वक होती है, तो ऐसी दशा में वह व्यक्ति भी बचाव का हकदार हो, लेकिन तथ्य की भूल गुणभेद में हो
यहाँ आपका एक उदाहरण, आपका विधिक, आपका विधिक बात न्यायमत्ता का आगे तत्व की भूल में देखना है। एक उदाहरण आपको देखना है सीआरपीसी की धारा 43 में का। देखिए सीआरपीसी की धारा 43 इस बात का उल्लेख करती कि कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है जो अजमानती तथा संज्ञेय अपराध करता हो या कोई फरार अपराधी, उद्घोषित अपराधी। अब अगर प्राइवेट व्यक्ति को ये विश्वास करने का कारण है कि ऐसा व्यक्ति अजमानती और संज्ञेय अपराध किया है और प्राइवेट व्यक्ति ने गिरफ्तार ही ऐसे व्यक्ति को कर लिया, तो ये विधिक न्यायमत्ता होगी और प्राइवेट व्यक्ति किसी दंड का भागी नहीं होगी। अब प्राइवेट व्यक्ति द्वारा तथ्य की भूल कराइए। प्राइवेट व्यक्ति ये देखता है कि दूसरा व्यक्ति अजमानती और संज्ञेय अपराध कर रहा है और उसे गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन बाद में पता लगता है कि ऐसा व्यक्ति तो अजमानती और असंज्ञेय अपराध कर रहा था, तो ऐसी दशा में ये मिस्टेक तो हुआ, लेकिन ये जो मिस्टेक है ये तथ्य की भूल है। और अगर प्राइवेट व्यक्ति ने सम्यक जांच के पश्चात ये पाया, सम्यक जांच की हो फिर भी गलती हो गई हो, तो ऐसा प्राइवेट व्यक्ति किसी दंड का भागी नहीं हो। यानी कि इस उदाहरण में हमने ये बताया कि प्राइवेट व्यक्ति द्वारा नीचे का फैक्ट हुआ है और प्राइवेट व्यक्ति दंड का भागी नहीं हो। इस प्रकार आपका अगला क्लास कल चलेगा।